दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों यूं तो हम इंसान जानवरों को ज्यादा कुछ नहीं समझते, हमारे लिए वो एक सिर्फ जीव मात्र ही हैं, जो केवल सांस लेता है और खाना खाता है। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आपकी सोच कतई बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जानवरों द्वारा की गई कुछ ऐसी हरकतें दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर खुद की आंखों पर यकीन करना आपके लिए मुश्किल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो। नंबर एक। दोस्तों यूं तो आपने कई दफा अपने घर में और आसपास लोगों को झाड़ू लगाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी जानवर को झाड़ू लगाते और फर्श साफ करते हुए देखा है? लीजिए इस चिंपैंजी को देख लीजिए। दोस्तों ये कारनामा कैद हुआ चीन में, जहां एक चिंपैंजी का वीडियो उस समय वायरल हो गया जब लोगों ने इसे झाड़ू लगाते और ऐसे इंसानों की तरह साफ सफाई करते हुए देखा। भाई वाकई में ये वीडियो अपने आप चौंका ही देने वाला था, भला जानवर कब से इंसानों की तरह झाड़ू लगाने लगे। नंबर दो। दोस्तों ये क्लिप पहले वाले से भी ज्यादा जबरदस्त है। आप ही बता दीजिए कि क्या शेर या शेरनी गाड़ी का दरवाजा खोल सकते हैं? अब आप कहेंगे कि अरे भैया पगला गए हो क्या, भला कोई शेर या शेरनी गाड़ी का दरवाजा कैसे खोल सकता है? तो चलिए इस क्लिप में देखिए जिसमें यह शेरनी धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये क्या, ये तो कैमरे में भी आराम से देख के फोटो खिंचवा रही है। अरे अरे ये क्या, ये तो शेरनी ने खुद ही गाड़ी का दरवाजा खोल लिया। अरे भैया सही टाइम पर मैडम ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, नहीं तो आज तो मैडम को पूरे जंगल की सैर करनी पड़ जाती। भैया गाड़ी में बैठे हुए लोगों की तो सांस गले में ही अटक गई। नंबर तीन। दोस्तों जानवरों को कैद करके रखना काफी बुरी बात है, लेकिन हम इंसान ऐसा करने से कहां बाज आते हैं। तो भैया ये देखिए इस छोटे से बंदर ने अपने बाहर निकलने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। देखिए किस तरह से ये बंदर हाथ में पत्थर लेकर इस शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सोचने वाली बात यह है कि भैया इसमें इतना दिमाग आया कहां से। अरे ये देखिए शीशा टूटकर इसके ऊपर न गिर जाए, इसलिए ये चालाक बंदर भाग खड़ा हुआ। अब भैया जब आप जानवरों को इस तरह से कैद करके रखेंगे तो उन्हें तो कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा ना। नंबर चार। दोस्तों अगर आप भी ये सोचते हैं कि सिर्फ अपने महेंद्र सिंह धोनी ही कैच लपकने में माहिर हैं, तो भैया एक बात आपको बताए दे रहे हैं कि आप कतई गलत हैं। जी हाँ, जरा इस प्यारे से भालू को देखिए, गाड़ी में बैठी ये मैडम कैसे इन्हें अपनी तरफ देखने के लिए इशारे कर रही हैं। और ये देखिए इन्होंने मैडम को देखा भी, मैडम के हाथ में एक ब्रेड है जिसे वो इस भालू को देना चाहती हैं। अरे अरे ये क्या, मैडम ने तो ब्रेड भालू की तरफ फेंक दिया। अजी तो क्या हुआ, अपना भालू जोंटी रोड से कम है क्या? लीजिए उसने भी अपनी तरफ तपाक से आती हुई ब्रेड को लपक लिया। भाई वाह, मानना पड़ेगा भालू जी आपके दिमाग और आपकी कैच पकड़ने की कला को। नंबर पांच। दोस्तों कभी कभी इंसान भी इतना दिमाग नहीं लगा पाते जितना कि एक जानवर लगा लेता है। अगर आपको हमारी इस बात पर यकीन नहीं है तो आप एक नजर इस क्लिप पर भी डाल लीजिए और फिर खुद ही फैसला कीजिए। देखिए गेट बंद है और इस कुत्ते को अंदर जाना है, और अब किया इसने अपने खुराफाती दिमाग का इस्तेमाल। भाई वाह, क्या दिमाग लगाया है कुत्ते ने। देखिए कैसे गेट के बीच में बनी जगह के बीच में से ये कुत्ता आसानी के साथ अंदर आ गया। देखिए भैया इसे कहते हैं दिमाग, क्यों है ना। दोस्तों अगर हम आपको कहें कि एक कुत्ता भी कैरम बोर्ड जैसा गेम खेल सकता है तो क्या आप मानेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि भैया काहे का मजाक कर रहे हो, लेकिन जरा इस क्लिप को देखिए कैसे ये कुत्ता इंसानों की तरह कैरम बोर्ड पर खेल खेलता हुआ नजर आ रहा है। कभी इधर से गोटी उधर फेंक रहा है तो कभी उधर से इधर। भाई मान गए कुदरत को जिसने ऐसे ऐसे अजूबे बनाकर धरती पर भेजे हैं। नंबर सात। सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की कतार न सिर्फ हम इंसानों को परेशान करती है बल्कि इन जानवरों के लिए भी किसी मुसीबत से कम नहीं है। तभी तो इन्हें भी हमारी तरह बड़ी सूझबूझ के साथ रोड को क्रॉस करना पड़ता है। अब उदाहरण के तौर पर इस कुत्ते को ही देख लीजिए जो बाकी लोगों की ही तरह सड़क किनारे खड़ा हुआ है और मन ही मन सोच रहा है कि अरे भैया कब होगी सड़क खाली। और लीजिए मौका मिलते ही कुत्ते मियां भी चल पड़े रोड क्रॉस करने। और ये लीजिए
बड़ी ही समझदारी के साथ इन्होंने रोड को पार कर लिया। अरे कुत्ते मियां, आपकी बुद्धि को हमारा सलाम। नंबर 8। दोस्तों इस वीडियो को देखिए किस तरह से ये भालू अपने पैरों की मदद से दरवाजा खोल रहा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये कोई आम दरवाजा नहीं है, बल्कि एक पुलिस स्टेशन का दरवाजा है, जहां लगे हुए सीसीटीवी कैमराज में इस भालू की ये हरकत कैद हो गई। देखिए कितनी चालाकी के साथ इसने ये दरवाजा खोला और फिर आगे ही बढ़ता चला गया। ऐसा लग रहा है मानो खाने के लिए कुछ तलाश रहा हो। लीजिए, अब ये बाहर आ गया। नंबर 9। चलिए आपको दिखाते हैं भला दिन दहाड़े चोरी कैसे की जाती है। ये देखिए इस रैकून को जो सीधा इन बिल्लियों के खाने की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है। अरे भाई क्या करना चाहते हो, ये लीजिए। इससे डरकर तो बिल्लियां भी पीछे हट गई। अरे अरे ये क्या, ये तो सीधा इनके खाने की तरफ टूट पड़ा। और ये लीजिए, इसने तो भैया दिन दहाड़े इनकी प्लेट्स में से खाना भी चुरा लिया। भाई वाह, इसे किसी का डर नहीं है दोस्तों, ये तो अपनी ही मस्ती में मस्त है साहब। नंबर 10। जरा सोचिए कि आपकी गाड़ी को भी किसी हाथी से धुलवाने का मौका मिले तो नजारा देखने में कितना मजेदार होगा, है ना? ये देखिए इस हाथी को, ये कैसे इन लोगों की गाड़ी को बिल्कुल एक आम इंसान की तरह धो रहा है। पानी से लेकर सर्फ तक हर चीज का इस्तेमाल करना आता है इसे। भाई ये तो सच में एक गजब का नजारा है दोस्तों, क्यों, है ना? तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसे देखने के बाद आप हैरान तो जरूर रह गए होंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।